मतलब जैसे अगर घट गया तो अच्छा है, बढ़ भी जाएगा। तो अगर देखिए, अगर देश में अगर योगदान हमको देना है तो 200 अगर हमारे पॉकेट से लगेगा भी तो देना चाहिए। अगर 1200 से 1400 भी हो जाएगा ना तो देश के लिए हम देंगे। जो गरीब आदमी वो कहाँ से देंगे, 400 रुपया के गैस 1200 में कर दिया गया। आप बोल रहे नहीं गरीब, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। औरत के अगर 3 गो औरत के लंगे परेड करवाया जाए, क्या तुम लोग की औरत नहीं घर में है? तुम लोग की बेटी नहीं है घर में? तुम लोग के शर्म नहीं लगता है? अरे तुम लोग मर्दाना चूड़ी पहन लिया था मणिपुर ने, चाहे और भी इतना भारत के मरा। 20 रुपए चावल है तो 15 रुपए का किसान को जरूर मिलता होगा, ठीक है? 5 रुपए बिचौलिया खा रहा है। 15 रुपए कैसे मिलेगा? डीएपी का रेट, यूरिया का रेट, इलेक्ट्रिसिटी मांगा, क्या बात कर रहे हैं? क्या ही बात करते हैं आप लोग? कॉमन सेंस नाम का चीज है। आप जो बोल रहे हैं, कश्मीर में हम लोग को झंडा फहराने में पहले दिक्कत होता था, अभी हम लोग चांद पे झंडा फहरा रहे हैं। तो वोट किसको देना चाहिए? अभी हम काय सस्ता किए ना, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा ना, और कुछ हुआ अचानक से, ऐसा क्या हो गया कि 200 रुपए एकदम राखी पे मन कर गया मोदी जी को कि सस्ता राखी पे गिफ्ट है बहनों को? पहले जो कच्चा तेल आता था, जो प्रति बैरल हुआ करता था, वो 159 रुपए हुआ करता था। आज वो 50 रुपए के भी नीचे है। तो आप हमको बताइए कि दाम बढ़ कैसे? रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, मणिपुर में बहन बिटिया का इज्जत बेचा, और 2024 में जीत के पूरा भारत को बेच देगा। कोई भी सरकार हो, 4 साल महंगाई बढ़ाता है और इलेक्शन वाला साल में घटा देता है रेटवा, और वोट उसी को मिल जाता है। देखिए कर्जा बोल रहे हैं, कर्जा पहले 59 लाख करोड़ का था, आज 3 गुना कर्जा हो गया। ये कर्जा का बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है? 2020 से 2023 तक 1200 हो गया, 500 हो गया, 700 रुपया बढ़ा। आप बताइए 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपया कम करते, ये जुमला नहीं है तो क्या? देखिए 2 को मारा पीटी कर लेगा उन्हें, जब तक वो मार कुटा जाए तब तक यहाँ से भागते हैं। बाकी ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा जी, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। देखिए आजकल जिस तरह से महंगाई पिछले कुछ साल में बढ़े हैं, अथाह बढ़ा है। 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, वो 1200 तक पहुंच गया। 300 में तो इस कदर बढ़ा कि 588 से 1200 हो गया, मतलब लास्ट 3 साल में। अब जब चुनाव आया है तो 200 रुपया घट गया, ऐसा लोग कम से कम तो कही है रहा है। अब लोगों का क्या मानना है, क्योंकि देखिए 200 रुपया आम जो ग्राहक थे, घरेलू गैस जो खरीदते थे उनको 200 रुपया, उज्ज्वला वालों को 400। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या, क्यों ये प्राइस घटाया गया है, पब्लिक को क्यों लगता है? क्योंकि अगर बात कीजिए, एक बहुत फेमस आबद ओझा का सर जो है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि देश की सरकार ऐसे ही करती है, 4 साल महंगाई बढ़ाती है और 5वां साल सब कुछ सस्ता कर देती है, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये महंगाई घटा क्यों, ये कैसे हुआ? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देशवासियों को। ये नेता लोग पार्टी जो है वो पहले से जो है तय करती है कि जो जब चुनाव आएगा तो 200 रुपया घटा देंगे, इसी प्रलोभन में जनता फंसेगी और हमें वोट देगा। यानी हिंदुस्तान की जनता का कीमत जो है 200 रुपया बना दिया, इनकी वोट की कीमत 200 रुपया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, कमर तोड़ महंगाई है, किसान त्राहिमान कर रहे हैं, गरीब गुरबा मजदूर नौजवान सब परेशान है। लेकिन बेवकूफ तो लोग बन जा रहा है ना, ये 200 घटने से बेवकूफ बन जाएगा? लेकिन इस बार लोग नहीं बनेंगे, लोग समझ रहे हैं कि चुनाव देख करके ही प्रलोभन दे रहे हैं, 200 घटा करके चुनाव में आएंगे, फिर मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे, फिर 1500 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। किसी के घर में गैस नहीं भरा जाता है, गैस सिलेंडर तो सरकार दे दी, लेकिन गैस भराने के लिए जेब में पैसा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है। किसान को जो है अभी सूखा आ गया है, बारिश नहीं हो रही है, खेत में पानी देने के लिए पैसा नहीं है, खेत में पानी देने का पैसा नहीं है। 200 रुपया रेट घटा है आम उपभोक्ता के लिए और 400 रुपया उज्ज्वला के लिए, क्या लगता है ये क्यों घटा होगा? इलेक्शन आ रहा है, इसी वजह से घटाया गया इसको, और फिर उसके बाद जब सरकार बन जाएगा तो फिर उसका डबल कर दिया जाएगा। 1200 है तो फिर 1800 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ठीक है? ये सब जैसा लड़का है ना, ये सब देखिए पिछवाड़ा फटा हुआ है, लेकिन वही मोदी मोदी। हाँ, इस तरफ आज लाइट का प्रॉब्लम है। हाँ। लोग ने बहुत चीज बोला। हाँ। मगर मेरा भी एक सवाल है सरकार से। हाँ, जब गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा भी चलता है, सस्ता भी चलता है। हाँ। मगर किसान के दर्द क्यों कोई कहे नहीं जानता है? हाँ। हाँ?
जैसे धान गेहूं बेचता है किसान तो उसे खरीदा जाता 10 रुपए 15 रुपए और वही किसान जब दुकान से खरीदने जाता तो 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए खरीदता जाता, इस पे कोई कहीं नहीं सवाल उठाता। तो उस पर आप उठा रहे हैं ना जी, ये आप सवाल तो यही तो पूछना चाहते सरकार से, जब सस्ता किए तो दुकानदार को सस्ता कीजिए, तेल को सस्ता कीजिए। नहीं तो एक बात है कि अब तक एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब तक इस देश में महंगाई के लिए प्रोटेस्ट बंद करना बंद कर दिया, तब सस्ता हुआ तब प्रोटेस्ट करके दिखा दीजिए कि हमको नहीं चाहिए सस्ता। काहे सस्ता किए ना, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ा ना और कुछ हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 200 रुपये एकदम राखी पे मन कर गया मोदी जी को कि सस्ता राखी पे गिफ्ट है बहनों को, ये क्यों हो जाता है? इसे चुनाव आते क्यों घट जाता है? सरकार चोर है, हाँ केंद्र में बैठा वो भी चोर है, राज्य में बैठा वो भी चोर है, और क्या बोले। और उसको उस चोर को पूरा भरोसा है कि घर वाला रखवारी नहीं कर रहा है, हमको चुराने का मौका है, ये भी तो पता है उसको। कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लोगों के आंख में धूल झोंक के और सरकार लूटने का प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं तो सवाल ये है कि किसके आंख में धूल झोंक रहा है, युवा समझ रहा है, किसान समझ रहा है, तो झोंक किसके आंख में रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी मतलब पूरा भारत को बेच रहे हैं, क्योंकि देखिए रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, बंदरगाह बेचा, मणिपुर में बान बिटिया का इज्जत बेचा, और 2024 में जीत के पूरा भारत को बेच देगा। बिहार में जो हुआ, बिहार में जो हुआ वो उनका है क्या? बिहार में जो हुआ वो आपको नहीं दिख रहा है? मणिपुर जैसा मणिपुर जैसा तो नहीं, नंगिया करके साथ घुमाया गया, बेगूसराय में क्या हुआ है? बेगूसराय में पता है आपको, पता है दरभंगा में? नहीं, एक बात दोनों से सवाल है, अब दोनों से मणिपुर, अच्छा बेगूसराय में भी वो गलत हुआ, मणिपुर में वो ओके है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। अब बेगूसराय में वो भी गलत है, तो दोनों गलत। अच्छा अब काउंटर में ये क्यों बोल रहे कि बेगूसराय में हुआ? यही प्रॉब्लम है देश की कि व्हाट अबाउटरी करना है सबको, यहाँ हुआ तो यहाँ भी हुआ, अरे तो इक्वल करना है क्या? अच्छा मणिपुर याद नहीं? नहीं मणिपुर याद है, मणिपुर की कोई बात कर रहा है, दरभंगा से मेकअप कर रही है। मणिपुर याद, सबको याद होगा, लेकिन बेगूसराय पूछे किसको याद होगा? तो गलत हुआ ना, हम ये पूछना चाहते हैं किसको याद होगा? तो मणिपुर वाला सही है? नहीं है सही, हम कहा बोले बहुत गलत है, 100% गलत है। दोनों गलत है तो दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत। ये एटीट्यूड स्टूडेंट को नहीं रखना चाहिए, गलत चीज गलत है, सरकार किसी की भी महिला घूमने की अच्छा बात है, बहुत गलत है, हम तो बोल ही रहे कि गलत है, सरासर गलती है। 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा था, अभी चुनाव आया 8 महीना में चुनाव है, अब 200 रुपया घट गया है, 3 साल में 588 से 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। क्या लगता है कि ये चुनाव के लिए हुआ या सचमुच अब राहत मिला है? मणिपुर ने जो घटना हुआ वो शर्मसार वाला घटना है या नहीं? बहुत ज्यादा घर में माई बहन आप लोग के है या नहीं है? सबका है, माई बहन सबका है, औरत के अगर 3 गो औरत के लंगे परेड करवाया जाए, क्या तुम लोग की औरत ही घर में है? तुम लोग की बेटी नहीं है घर में? तुम लोग के शर्म नहीं लगता है? अरे तुम लोग मर्दाना चूड़ी पहन लिया था मणिपुर ने, चाहे और भी इतना भारत के मर्द। इधर कैमरा आंटी, एकदम सबको वहाँ देख के बोलिए, सब वो लोग का है के तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, और वहाँ के मर्द के तो चूड़ी पहन करके घर में बैठना चाहिए था। वहाँ के मर्द अगर मर्दानगी दिखावे तो वहाँ के मर्द नहीं कहा जाता है, हिजड़ा से भी बेहद होता है। फिर भी सब बीजेपी बीजेपी का क्या है? मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे? नहीं काहे नहीं दिखाएंगे? औरत को ही बनना चाहिए कि जो झांसी की रानी थी आज भी औरत वही है कि जो झांसी की रानी बनना चाहती है। लेकिन दिक्कत है चाची यही ना कि मणिपुर अब चुनाव आएगा तो लोग भूल जाएगा, और 200 का सब्सिडी जो सस्ता हो जाएगा सिलेंडर वो याद रहेगा, 5 साल में 500 400 से 1200 हो गया ये भूल जाएगा लोग। तो दिक्कत ये है ना कि सही समय पे ये बात ही याद नहीं रखता वो आदमी, कभी नहीं भूल सकता है कि हमारा बहन का जो परेड करवावे और हमने वो विधायक के वो सीएम के हमने जितावे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, हम लोग तो हरगिज नहीं दे सकते। आप जो बोल रहे हैं कश्मीर में हम लोग को झंडा फहराने में पहले दिक्कत होता था, अभी हम लोग चांद पे झंडा फहरा रहे हैं, तो वोट किसको देना चाहिए? आप बताइए, अभी हम कश्मीर में झंडा फहराने में दिक्कत होता था, अब चांद पे झंडा फहरा रहे हैं, तो वोट किसको देना चाहिए?
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदू राष्ट्र पे वोट के वोटिंग के लिए ये नारेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं। हम आम आदमी का सवाल पूछ रहे हैं। सिलेंडर का रेट 1200 से 200 घटा है। अब इस पे हम सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ आज ऐसा कि रेट घट गया। बाकी 3 साल में तो बढ़ा है, 588 से 1200 हो गया, तो ऐसा क्या अचानक से अभी हो गया जो 200 घटा। सवाल ये, आपके घर में भी सिलेंडर आता होगा, चाहे आप झंडा कश्मीर में फैलाइए। देखिए वो जो जो 1200 से जिसे 200 घट गया वो तो अच्छा हुआ, मतलब कि जैसे अगर घट गया तो अच्छा है, बढ़ भी जाएगा। तो अगर देखिए अगर देश में अगर योगदान हमको देना है तो 200 अगर हमारे पॉकेट से लगेगा भी तो देना चाहिए। अगर 1200 से 1400 भी हो जाएगा ना तो देश के लिए हम देंगे, क्योंकि अगर देश हमारा मजबूत रहेगा, देश हमारा मजबूत बिहार में औसत आपके पास आमदनी है तब ना दे दीजिएगा। जो गरीब है वो कहाँ से देगा, वो गरीब है बोल रहे हैं। जो आपके पास आमदनी है, आपके पास इनकम है तब दे रहे हैं, और जो गरीब आदमी वो कहाँ से देंगे। 400 रुपया के गैस 1200 में कर दिया गया। आप बोल रहे नहीं गरीब, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। आप एक सवाल रुक जाइए, सबका सुना जाएगा, रुकिए एक सेकंड। आप जॉब करते हैं इंडियन आर्मी में? नहीं, हम इंडियन आर्मी नहीं, हम सिविलियन हैं। हम सिविलियन नहीं, नहीं हम सिविलियन हैं। ठीक है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के बाद कांग्रेस का आया, उससे पहले कांग्रेस की थी। ऐसा कोई सरकार बताइए जिसके बदलने के बाद डीजल पेट्रोल या कोई चीज का महंगाई कमा है, बताइए। बीजेपी के बाद अगर डीजल का रेट 44-48 था। सवाल यही है सर। मैंने पलवा सुन लिया, हर पहले बोलने दीजिए। अरे सुनते का नहीं, नहीं, नहीं पहले बोलने दीजिए। अगर कांग्रेस, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पेट्रोल डीजल का रेट अगर 50 रुपया मान लीजिए था, तो क्या कांग्रेस के समय 49 रुपया हुआ कि 65 रुपया हुआ? वो तो महंगाई बढ़ेगा, मुद्रा स्फीति का तो जैसे ऐसा नहीं है, वो तो हो नहीं सकता है। अब आप बोलिए कांग्रेस किसान को फायदा मिलना चाहिए। 5 रुपये का चावल बेच के किसान को कितना 3 रुपये में बेचता होगा? आज 20 रुपये चावल है तो 15 रुपये तो किसान को जरूर मिलता होगा। ठीक है, 5 रुपये बिचौलिया खा रहा है। नहीं, 15 रुपये कैसे मिल जाएगा? डीएपी का रेट, यूरिया का रेट, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, क्या बात कर रहे हैं, क्या ही बात करते हैं आप लोग? कॉमन सेंस नाम का चीज है। और एक बात, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, हर सरकार। अरे चुप नहीं रहे, यही है कि कोई नहीं सुन रहा है, रुके। सवाल यही है कि कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी का हो या बीजेपी आरजेडी, क्यों कर लगता है लोग समझ नहीं आता। कोई भी सरकार हो, 4 साल महंगाई बढ़ाता है और इलेक्शन वाला साल में घटा देता है रेटवा, और वोट उसी को मिल जाता है। तो ये तो कांग्रेस भी करता था, बीजेपी भी करता है, रेटवा 4 साल बढ़ाता है और इलेक्शन वाला टाइम हमें घटा देता है, और ये लॉलीपॉप सबको फायदा करता है, जनता समझ पी वोट भी देता है। देखिए अभी भाई साहब बोले कि जो है डीजल का दाम कांग्रेस के समय 49 था, अभी बढ़ गया, हमेशा बढ़ेगा। इनको जानकारी नहीं, हम बता दें कि पहले जो हम लोग डीजल और पेट्रोल पे जो टैक्स देते थे वो 6 रुपया देते थे, अब 35 रुपया टैक्स देते हैं। इनको पहले पता करने दीजिए कि पहले होता क्या, दाम बढ़ता कैसे। पहले जो कच्चा तेल आता था, जो प्रति बैरल हुआ करता था, वो 159 रुपया हुआ करता था, आज वो 50 रुपया के भी नीचे है। तो आप हमको बताइए कि दाम बढ़ कैसे रहा? आप पब्लिक से टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, टैक्स लेके अपना आप जो इतना बड़ा जो 2400 करोड़ का जो आप संसद भवन बनवा रहे हैं, हाँ देखिए कर्जा बोल रहे हैं, कर्जा पहले 59 लाख करोड़ का था, आज 3 गुना कर्जा हो गया। ये कर्जा का बात कर रहे हैं, क्या बात है? सुनिए, पहले आप जाके डाटा देखिए, अभी आप गूगल करिए, अभी आपको पता चल। देखिए हवा में बात करने से नहीं होता है, हम बीजेपी कांग्रेस का वाला बात नहीं है। जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। आप वोट किसी को भी दीजिए, आज 200 रुपया मान लीजिए कि गैस कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए अच्छा बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि 2014 में था 400, 2020 में था 500। आप डाटा उठाइए ना भैया, आपके पास जियो मोदी जी दिए हैं ना। 20 से 23 तक 1200 हो गया, 500 हो गया, 700 रुपया बढ़ा। आप बताइए 700 रुपया बढ़ा के 200 रुपया कम करते, ये जुमला नहीं है तो क्या है? आप क्यों घटा, अभी क्या लॉजिक है? इंटरनेशनल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा चीज, ये जैसे कह रहे हैं कि इनकम बढ़ा, हमको आप बताइए कि 500 से जब 1200 हुआ तो क्या आपका इनकम भी उस हिसाब से बढ़ा था क्या?
क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़े होता है। आप इनकम बढ़ गया, क्या चीज़ इनकम आपका बढ़ गया, क्या करते हैं आप, ऐसा की इनकम आपका बढ़ गया। अब देखिए हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, मान के चलिए एक लेबर का ही इनकम मान लीजिए, एक लेबर का ही इनकम मान लीजिए। जब हम 1982 में 25 रुपया पर मजदूरी देते थे, आज उसी मजदूरी को हमको 300-400 रुपया देते हैं ना काम कराने के लिए। कितना तनख्वाह है सर, हम आप कह रहे हैं कि हमारा क्या तनख्वाह है? 10,000 रुपया है। 10,000 में आपका 1,000 गैस का सिलेंडर मैनेज कर लीजिएगा, हो ये रहा है ना, चलिए ना रहा है। इस देश इस राज्य में हम बिहार में है, बिहार के स्टेशन पे खड़ा है, बिहार का पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय 50,000 है ना जी, 50,000 में कैसे मैनेज करता है? सुनिए देश में क्या हो रहा है हम बता रहे हैं लोगों के, देखिए इमोशन के साथ खेला जा रहा है। अभी देखिए क्या है, आप कभी भी कोई मुद्दा पे बात करने जाइएगा तो यहाँ जय श्री राम, अरे हम लोग बचपन से श्री राम भगवान को जानते हैं, श्री राम भगवान एक इंसान के रूप में जन्म लिए, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर भी वो चू नहीं बोले अपने घर में, यहाँ एक कट्ठा के लिए हम मारपीट कर लेता है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा बात, हम लोग कोई भी किसी भी धर्म को लेके यहाँ पे खड़े हैं, किसी भी, क्यों हमारा हिंदू मुस्लिम भाई नहीं है? आज किसी का ब्लड अगर चढ़े तो वो क्या चेक कराता है क्या कि वो ब्लड मतलब हिंदू का है कि मुस्लिम का है, सिख का है कि ईसाई का है? कोई यहाँ खड़ा होकर बताए किसी का भी घर का किसी को? लॉलीपॉप इलेक्शन में काम तो आ जाता है ना, ये लॉलीपॉप आ जाता है। देखिए आपका न्यूज चैनल है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं, देखिए भाई कोई किसी का दुश्मन नहीं है, आप यहाँ पे जय श्री राम बोलिए, हमको भी अधिकार है, हम भी जय श्री राम बोलेंगे, सब बोलेगा, और जो नहीं बोलता उसको हम बुलवाएंगे नहीं, ये गलत है। और एक बात और है, जब भी आप महंगाई पे बात करना है, ये तो लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं, तो ब्रह्मांड में आप सुकर पे सूर्य पे जाकर आदित्य एलवन में झंडा लगा के भेज दीजिए, लेकिन आम आदमी जो हमारे गांव में दादी रह रही है, चाची रह रही है, उसको सिलेंडर पे खाना चाहिए और सिलेंडर उसकी औकात से बाहर की, ये सवाल तो है। अभी आप देखिए CAG का रिपोर्ट आया है, पता नहीं कितने लोग न्यूज चैनल देखते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया जिसमें 7 सबसे बड़ा घोटाला भैया आपको बता रहे हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में रोड बना है, आप पता कीजिए 1 किलोमीटर NH का बनने का जो खर्च होता है वो होता है 18 करोड़ रुपया, और पर किलोमीटर 250 करोड़ रुपया मोदी सरकार कैसे खर्चा किया? क्या ये CAG कांग्रेस का था जो रिपोर्ट दिया है? आप इस रिपोर्ट को पहले देखिए, बात देखिए लॉजिक पे आइए। आप यहाँ खड़ा होके मुस्लिम हावी, देखिए इन लोग करते क्या है, इन लोग का प्रोपोगेंडा समझिए, प्रोपोगेंडा क्या है, देखो मुस्लिम आएगा हावी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोस्त भी हैं मुस्लिम, हमारे साथ रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, हमारे पूजा पाठ में वो लोग आते हैं, हम लोग की जैसे वो साष्टांग प्रणाम करते। देखिए अगर सरकार चाहे तो हम लोग भाई होकर रह सकते हैं, लेकिन ये सरकार ही लड़वाने का काम कर रही है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि ये कुछ काम की नहीं है, काम तो कुछ की नहीं है, यही करवा के आ रही है, खाली झगड़ा करवा रही है। मंगलयान पहुंचा, मंगलयान, हाँ बताइए क्या चीज का प्रोजेक्ट था? अरे मंगलयान ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज इनकी भी है, हम पहले मंगलयान ठीक है। सरकार का प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होता अंतरिक्ष यान, ये देश का प्रोजेक्ट होता है। चंद्रयान आपका फेल हुआ तुरंत, इसरो का अपना पैरेलल काम है, ऐसा थोड़ी है। जो बोले घोटाला का, हमको तो उतना नॉलेज नहीं है क्या क्या घोटाला का बोले, लेकिन देखिए 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, बहुत सारा घोटाला हुआ, सारा साबित हुआ, लेकिन उसको किसी को बताया? देखिए इनका कहना सही है, घोटाला हुआ है, तो घोटाला हुआ है इसीलिए सरकार चेंज हुआ है ना, घोटाला हुआ इसलिए चेंज हुआ। तो आप क्या चाहते, वो घोटाला किया तो हम घोटाला करें? नहीं, घोटाला बराबर और कट गया, मैथ का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। नहीं चलिए, बोल रहे घोटाला होगा तो चेंज होगा, अरे भैया इतना बड़ा घोटाला। आपको एक बात हमको बुरा लगा है, पता है क्या? आप बोले कि जो BJP के राज में हिंदू मुस्लिम भाई भाई झगड़ा करवा रहा है, मेरा जो फ्रेंड है मुस्लिम है, हम साथ घूमते हैं, बट आप कोई भी पब्लिक में इतना दम है बोलने का जो पाकिस्तान में हिंदू है भाई पे? हम देखते हैं पाकिस्तान से हम लेना देना क्या जी, मेरा ना मुल्क है ना और कुछ। देखिए युवा इसी में पागल है, पाकिस्तान में 20 करोड़ जनता जिसका खाने का औकात नहीं, हम उन्हें बोल रहे हैं। रुके जवाब दीजिए, इन भैया ने बोला BJP आया,
कोई नहीं, देखिए देखिए देखिए, हम गैस सिलेंडर पे बात कर रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान। जवाब देने चाहिए। आज वो फ्रेंड में टीएमसी का करता है, बोल रहे हैं हम बीजेपी करते हैं, कहाँ हिंदू मुस्लिम किए हम उसको कहाँ बोलते हैं। अभी आए हैं हम मंदिर में उसको लेके गए घूमने, वो मस्जिद में लेके गया, कहाँ हिंदू में हम बीजेपी करते हैं, कट्टर भी कहाँ हम हिंदू मुस्लिम किए। ये बोले ना, उनका बात सही है। देखिए हम अच्छा पहले बोल लीजिए आप, झगड़ा नहीं हो रहा, बंगाल जाइए। आपको पता नहीं है, सुनिए आपको पता नहीं है, आप पहले पता कीजिए। हम तो बोल रहे मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुस्लिम। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो करते हैं, करवाने का काम गवर्नमेंट ही करती है। चलिए चलिए चलिए, अब लड़ लीजिए, हम निकलते हैं, ठीक है। देखिए बाकी इनको लड़ने दीजिए, मुद्दा पे बात करने आइएगा तो यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगा। तार्किक बात किसी को करना नहीं है, अब मारे लगे ना जी। हम तो अपना कमा के जा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। ये हाल है जनता का, अलग ही नशा में चूर है भाई, इनको लड़ना। अब देखिए दू को मारा पिटी कर लेगा उन्हें, जब तक वो मार कुटा जाए तब तक यहाँ से भागते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा। माइक बंद करके निकलते हैं यहाँ से, भाग पकड़ो पकड़ो, बंद कीजिए पहले।